एकदम लाइक से ठोक दो, या फिर मैं वैसे एक बहुत फेमस टीचर की एक्टिंग करते हुए करूं, बोर्ड पे पेन तभी चलेगा जब तुम लोगों को जोड़ोगे। जोड़ भाई गला दुख गया, इतनी एनर्जी कहां से लाओ, जोड़ो जोड़ो सबको लेकर के जोड़ो, पेन नहीं चलेगा जब तक 5-6 हजार नोट नहीं जुड़ेंगे, सबको जोड़ो, महात्मा की सोगन है तुम्हें, जय महाकाल, जोड़ो। लाइक शेयर तो कर दो यार, आप लोग कम से कम हद है यार, आप लोग लाइक शेयर ही नहीं करते। बहुत अच्छे टीचर है यार, गजब टीचर, बढ़िया टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं वो और अच्छे इंसान भी है। चलो आप लोग लाइक शेयर जरूर करो, और जोश बताओ, हाउ इज द जोश, कैसा है जोश, हाई है कि नहीं, आंसर दो सर, हाई सर, हाई जोश करो यार। चलो अब स्टार्ट करते, केंद्रीय सूचना आयोग, बहुत होगी बातें, ठीक है। चलो देखिए, आप सबको पता है कि 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है। जब से भारत की अगर हम बात करते हैं, आरटीआई जब से भारत में आई, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया, गुड गवर्नेंस के लिए एक टूल था, तो उसके तहत ये सारे के सारे प्रावधान किए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि एक एक्ट के, संसद के बनाए गए एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है ना। उस टाइम देखो कि भारत के अंदर सरकारी जो ऑफिस थे उनके अंदर किसी भी चीज के बारे में इतनी पारदर्शिता नहीं थी, तो सरकारी ऑफिसेज में पारदर्शिता लाने के लिए, गुड गवर्नेंस करने के लिए, है ना, लोगों तक सेवाएं सही समय तक पहुंचाने के लिए, अगर नहीं पहुंच रहे तो उसके बारे में लोग उनसे पूछ सके, इंफॉर्मेशन ले सके, जानकारी ले सके किसी भी चीज के बारे में, गुप्तता को खत्म करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। उसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों की स्थापना की गई, केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। अब इसकी संरचना देखना कि इसमें एक अमेंडमेंट हुआ 2005 के बाद, 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, 2005 में जो मूल रूप से स्वरूप बनाया गया था ना, उसमें और इसमें अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले अभी अगर 2019 की बात करते हैं, ये वर्तमान लिखा है, ये बुक जब पब्लिश हुई थी तब 2019 था, तो हम भी 2019 तक का ही चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि जो आयोग है उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 6 अन्य सूचना आयुक्त जो हैं वो होते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर 7 हो गए। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो करेंगे देखोगे राष्ट्रपति ही करते हैं, सेंटर के लेवल की है तो मैक्सिमम अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इसको एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति होती है। देखो ये ज्यादातर आयोगों की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो किसी ना किसी समिति की रिकमेंडेशन पर ही राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन आपने एक संवैधानिक संस्था देखी थी जिसका नाम था निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, जो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम कराती है इलेक्शन कराना, और उसके जो अध्यक्ष थे, सदस्य थे, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी जब नियुक्ति की बात आती है, अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो उनके लिए कोई समिति नहीं थी, डायरेक्ट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर। तो ये थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है कई बार ये चीजें देखने के, जहां पर जरूरत थी किसी कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन की, वहां पर तो किया नहीं। चलिए सूचना आयोग के ऊपर चल देते हैं। अब ये समिति जो सिफारिश करती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई भी एक कैबिनेट मंत्री हो सकता है। तो ये 3 लोग रिकमेंड करेंगे, रिकमेंड करने के बाद देखो विपक्ष के नेता की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि वो विपक्ष का नेता जो है बहुत सारी नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये यहाँ पर अगर बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर नियुक्तियों में, तो इसमें भी विपक्ष का नेता पार्टिसिपेट करता है, केवल लोकसभा का, ठीक है। अब इनका सदस्य बनने के लिए आपके पास जो अर्हताएं हैं उसमें लिखी गई है कि सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, है ना, सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त, सार्वजनिक जीवन में कुछ भी हो सकता है भाई, पब्लिक लाइफ, आप भी पब्लिक लाइफ जी रहे हो, है ना, आप भी बता सकते हो, यहाँ भी पब्लिक लाइफ का बड़ा अनुभव है, 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3-4 अटेम्प्ट में एक बार प्री निकला, एक बार मेंस भी ठीक ठाक देकर इंटरव्यू तक भी पहुंचे, बाकी नहीं हुए, तो अनुभव ही ले रहे सार्वजनिक जीवन का, सफल असफल होने के बाद लोग कैसे बदलते, रिश्ते कैसे बदलते हैं, नाते कैसे बदलते हैं, दोस्त कैसे बदलते हैं,
तो अनुभव बहुत लिया हमने इस तरीके से बोलना तुम भी, तो तुम्हारा भी सार्वजनिक जीवन का अनुभव हो गया वो, समझ लो बेसिकली पब्लिक, कोई सी ऑफिस में काम किया हो, कोई पब्लिक वर्क किया हो, प्रॉपर वर्क किया हो, इसके साथ साथ उनको इनमें से कोई अनुभव होना चाहिए, या तो कानून में भी अनुभव हो, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के लिए 5 साल का कार्यकाल था, 5 साल या 65 वर्ष, पहले अगर हम बात करते मूल रूप से लिख देते ना मूल रूप से, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन 2019 का जो संशोधन हुआ उस संशोधन से इसमें चेंज कर दिया, और इसमें कहा गया कि भाई 65 साल तो ठीक है मैक्सिमम, लेकिन कितने टर्म होगी, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ये फिक्स नहीं कर रहे हम, ये डिसाइड करेगी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार जितने भी समय के लिए उसको नियुक्त करे, या 65 साल, उनमें से जो भी पहले खत्म हो जाए तब तक वो अपनी पोस्ट पर रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अब उसका कोई टर्म 65 साल अधिकतम उम्र के अलावा फिक्स नहीं है कि कितने साल काम करेगा, ठीक है, केंद्र सरकार के ऊपर है कि कितने भी साल के लिए इसको अपॉइंट कर सकती है, और उसको दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, पुनर्नियुक्ति नहीं मिलती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में आपने देखा ना उनको पुनर्नियुक्ति मिल जाती है, इसमें पुनर्नियुक्ति नहीं है, एक बार अपॉइंटमेंट हो गई उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कोई पुनर्नियुक्ति नहीं। अब इसको भी हटाने के तरीके लगभग लगभग सेम वैसे से ही है जैसे कि एनएचआरसी के सदस्यों को आपने देखा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि दिवालिया हो गया, असम अक्षम हो गया, केस हो गया, उस मामले में तो वही है, लेकिन मुद्दा जो है ना इनको हटाने की जब बात करते हैं तो राष्ट्रपति इनको इनके लिए भी सेम चीज करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा मामला, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, जांच करके बताएगा कि भैया इनको ठीक है इनको हटाना है कि नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी वो राष्ट्रपति मानेगा, ठीक है। तो सेम वही एनएचआरसी वाला जो मामला था वही सेम यहां पर भी आपको एज इट इज चीजें देखने को मिलेंगी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जो चीजें थी। अब इसकी कार्य और सत्य देख लेते हैं भैया, बेसिकली आपको अगर सूचना देने के लिए अधिकार दिया गया और अगर आपकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही, आपके लिए सूचनाएं समय पर नहीं दी जा रही, तो उस अधिनियम का क्या फायदा है ना। तो ऐसे में उसके लिए प्रावधान किया गया केंद्रीय सूचना आयोग के माध्यम से कि भाई आपकी समस्याओं का प्रॉपर समाधान हो। तो सबसे पहली चीज तो इसका दायित्व ये है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उससे जानकारी और शिकायतों का निराकरण, उससे कुछ जानकारी प्राप्त होती है, शिकायत प्राप्त होती है, उनका निराकरण करे। कौन सी? अगर कोई जन सुनवाई अधिकारी जिससे उसने सूचना मांगी है और उसने उसको सूचना नहीं दी है ना, या उसको चाहिए गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, या कोई अपॉइंटमेंट ही ना हो, कोई जन सूचना अधिकारी हो ही ना वहां पर है ना, कोई अपॉइंटमेंट ही ना हो, आमतौर पर हर डिपार्टमेंट में ऐसे जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना जरूरी है, लेकिन यहां पर नियुक्ति नहीं होगी तो आप सूचना नहीं मिलेगा, लोग कहेंगे, डिपार्टमेंट कहेंगे भाई हमारे पास तो जन सूचना अधिकारी नहीं है, हम आपकी मांगी गई सलाह पर कैसे हम सूचना दे दे, है ना। तो ऐसे में वो कंप्लेन कर सकता है ना, इसको निराकरण समाधान करने का उपाय इसी के पास है। अगर किसी डिपार्टमेंट ने जानबूझ करके मना कर दिया तो भी, अगर एक निर्धारित समय होता है कि आप कितने समय में सूचना दोगे, ठीक है, मान लेते 30 महीने, 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरटीआई का रिप्लाई आना है। अब उसने कोई एक महत्वपूर्ण सूचना मांगी और उस सूचना की जानकारी उसको मिली 2 से 3 महीने के बाद, और जब उस सूचना का कोई रिलेवेंस ही ना रहा हो, तो ऐसे में कंप्लेन कर सकता है ना। यहां पर बताइएगा जा करके कि भाई मैंने टाइम पे मांगी थी, टाइम पे तो दिया नहीं, अब क्या कर रहे हैं इसका। यदि अगर उसको सूचना मिली और सूचना मिलते टाइम उसको पता चलता है कि यार ये तो गलत सूचना दी इन्होंने, मेरे को बेवकूफ समझाएगा, है पागल समझाएगा मेरे को, ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधे जो कुछ भी लेकर के दे दोगे, तो फिर ऐसे में कंप्लेन कर सकता है अगर उसको लगता है झूठ है। अब अगर कोई पुख्ता सबूत के साथ, कोई ठोस आधार के साथ केंद्रीय सूचना आयोग को कोई मामला मिलता है, कोई भी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई मामला उसके पास आता है, ठीक है, तो ऐसे मामले की जांच का वो आदेश दे सकता है खुद से सुओ मोटो आधार पर, स्वयं प्रेरणा की शक्ति से। और सेम जैसे एनएचआरसी के पास शक्तियां होती है जांच के समय, ऐसे ही इसके पास भी दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती है जांच के समय, किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है, समन जारी कर सकता है, उससे मौखिक या लिखित रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दे सकता है, किसी भी दस्तावेज को मंगा करके जांच कर सकता है ना, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से भी दस्तावेज मांग सकता है, किसी भी गवाह से
या दस्तावेज की जांच करने के लिए भी समन जारी कर सकता है, बेसिकली वैसे ही जैसे कि एनएचआरसी करता है वही चीजें, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत डिटेल से देखना है तो यूट्यूब पर मैंने करा रखा है, जाकर के देख लेना, इस चैप्टर को बहुत डिटेल से मैंने कराया है, ठीक है। ये चीज है तो सेम यही चीज है, अगर किसी लोक अधिकारी के पास कोई दस्तावेज है, रिकॉर्ड है और इसकी ये जांच कर रहा है, ठीक है, तो वो उससे उसकी जांच और रिकॉर्ड मांग सकता है, ठीक है। तो जो मांगेगा तो उसको कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं ये रिकॉर्ड नहीं दे सकता, मांगना पड़ेगा। तो बेसिकली जांच के समय जितने भी सार्वजनिक दस्तावेज हैं वो आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो भी सार्वजनिक दस्तावेज इसने मांग लिए वो इसको मिलना चाहिए। अब इसके पास ये भी शक्ति है कि लोक प्राधिकारी अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करे। सबसे पहले तो क्या कि अगर आवेदक ने कोई जानकारी मांगी, उसको नहीं दी गई आवेदन को जानकारी, उस जानकारी ना मिलने से जो नुकसान हुआ आवेदक को, उसका भुगतान कौन करेगा, उसका मुआवजा कौन देगा? तो जो इसका जिम्मेदार प्राधिकारी था, जो लोक प्राधिकारी जिसको वो सूचना देनी थी, वो उसको बोलेगा कि इसका मुआवजा दो भाई इसको, है ना, कंपनसेट करो। पेनल्टी भी लगाएगा, अर्थदंड भी लगा सकता है अधिनियम के तहत उसके ऊपर, ठीक है, यानी बेसिकली सजा ही हो गया एक तरीके से। अब ये आयोग बेसिकली क्या कार्य कर रहा था, ये सुनिश्चित कर रहा था कि भाई जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसका क्रियान्वयन प्रॉपर तरीके से, उसका एग्जीक्यूशन को बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए ये संस्था एक तरीके से कार्य करती है। अब हर साल ये अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, अपने ये इस अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर के, उस रिपोर्ट को तैयार करके उसको वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के पास भेजती है, राष्ट्रपति के पास नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको पार्लियामेंट में रखवाएगी, संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाएगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये था केंद्रीय सूचना आयोग, बस इतना ही था, आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना केंद्रीय सूचना आयोग में।